रोमी ने सजा दी है साईबा की अर्थी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि साईबा अब यहाँ पर किसी भी तरीके से रोमी के जाल से निकलने की कोशिश करती है और उसे ज़बरदस्ती रोमी वरमाला पहनते नज़र आता है, लेकिन इस शादी के बंधन में वो तो किसी भी कीमत पर नहीं बंधना चाहती, इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रोमी की वहाँ पर जल रही आग को यहाँ पर जला कर देखने को मिलता है कि रोमी को ही जलाने की कोशिश करती है और वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन रोमी ने चारों तरफ ऐसा जाल बुन रखा होता है कि वहाँ से वो भाग नहीं पाती और गिर जाती है खड्डे में और वहाँ पर वो उसकी अर्थी सजाते ही नज़र आता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर लोकेशन ट्रैक कर लेता है अंगद अपनी टीम के साथ मिलकर और वहाँ पर भाग निकलता है पुलिस की गिरफ्त से। देखने को मिलता है कि पुलिस को पता चल जाता है कि अंगद कहाँ पर है और वो उसका पीछा करते ही नज़र आती है। अंगद जब तक वहाँ पर पहुँचता है देखता है कि अब साहिबा को ज़बरदस्ती जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा है रूमी और उसके साथ खुद को भी सजा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि साहिबा की अर्थी सजा देता है दुल्हन बनी हुई की और यहाँ पर अंगद की होश उड़ जाते हैं और अंगद उसे बचाने के लिए कूद जाता है आग में। एक बार फिर से अंगद साहिबा को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते नजर आते हैं। वहीं पर रूमी को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर रूमी यहाँ से भागने के लिए पूरे जंगल में आग लगा देता है जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ जाती है और अंगद ही होगा जो कि पुलिस वालों के साथ साहिबा की भी जान बचाते नजर आने वाला है।